साथियों, आप जहां भी जाएं, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। आप जिस कार्यालय में होंगे उसके बोर्ड में दर्ज आपके कार्यकाल से ही आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए। हां, बढ़ती हुई पहचान में आपको मीडिया और सोशल मीडिया भी बहुत आकर्षित करेंगे। काम की वजह से मीडिया में चर्चा होना एक बात है, और मीडिया में चर्चा के लिए ही काम करना वो जरा दूसरी बात है। आपको दोनों का फर्क समझ करके आगे बढ़ना है। आपको याद रखना होगा कि सिविल सर्वेंट्स की एक पहचान अनाम रह करके काम करने की रही है। आप पिछले आजादी के बाद के अपने कालखंड के देखिए, जो ओजस्वी तेजस्वी चेहरे कभी कभी हम सुनते हैं, अपने पूरे कार्यकाल में अनामी रहे हैं, कोई नाम नहीं जानता था। रिटायर होने के बाद किसी ने कुछ लिखा तब पता चला, अच्छा ये बाबू इतना बड़ा देश को देकर के गए हैं। आपके लिए भी वही आदर्श है। आपसे पहले के चार पांच दशकों में जो आपके सीनियर्स रहे, उन्होंने इसका बहुत अनुशासन के साथ पालन किया है। आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। साथियों, मैं जब मेरे नौजवान राजनीतिक साथी जो हमारे विधायक है, हमारे सांसद है, उनसे मिलता हूं तो मैं बातों बातों में जरूर कहता हूं, और मैं कहता हूं कि दिखास और छपास ये दो रोग से दूर रहिएगा। मैं आपको भी यही कहूंगा कि दिखास और छपास, टीवी पे दिखना और अखबार में छपना, दिखास और छपास, ये दिखास और छपास का रोग जिसे लगा, फिर आप वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो लेकर आप सिविल सेवा में आए हैं। साथियों, मुझे भरोसा है आप सब अपनी सेवा से, अपने समर्पण से देश की विकास यात्रा में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे।